सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में आज चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे के बाद में मेरठ पहुंचेंगे और मोदीपुरम स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी और इस जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद होंगे। इस बार की जनसभा खास है क्योंकि मंच पर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। एनडीए के दूसरे साथी भी मंच पर आपको नजर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी मंच पर मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज पीएम मोदी मेरठ आ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने रैली से पहले पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि बीते 10 सालों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर के मेरे परिवार वालों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। इसे और गति प्रदान करने के लिए देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा एनडीए के साथ में जाने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद में करीब 3:30 पर यानी कि 3:30 बजे के करीब जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। ये एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया, जहां उन्होंने एक बार फिर से जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि 2024 में एक बार फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि देश की आजादी के लिए सन 1857 में क्रांति का बिगुल फूकने वाली वीरभूमि बाबा ओगड़नाथ की पावन स्थली जनपद मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो प्रधानमंत्री आज मेरठ के दौरे पर रहेंगे, साथ ही स्वागत के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरठ जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। ड्रोन के अलावा गुब्बारे तक उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मंत्री जी का यहाँ पे पॉलिटिकल रैली है और जो ऑलरेडी ब्लू बुक के हिसाब से जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लेने होते हैं वो सभी को कम्युनिकेट किए गए और उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से जो मेजर्स लेने वो मेजर सारे लिए गए, उसी हिसाब से तैयारी की गई। एसपीजी की निगरानी में समूचा मंच है, समूचा जनसभा स्थल है, एटीएस की टीम भी मौजूद है, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी है, गुब्बारे भी नहीं उड़ा सकता, इतनी सुरक्षा है। नहीं देखिए, उस टाइम के लिए इसके अराउंड ड्रोन्स और ये बैलून्स या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए निषेध किया गया है उस टाइम के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सिक्योरिटी का पार्ट है और बाकी जो ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है जो एसपीजी की तरफ से और जो ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है वो उसी हिसाब से सभी पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया है, उसी हिसाब से मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटीज लगाई है। क्या शेड्यूल रहेगा, कितने बजे तक आने की संभावना? माननीय प्रधानमंत्री जी का 3:15 बजे आगमन है और 4:45 बजे तक ये रैली समापन का टाइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा और जितने भी पॉइंट बनाए गए हैं सभी पर सुरक्षाकर्मी मुस्तैदी से तैनात हैं। ट्रैफिक और साथ ही क्राउड कंट्रोल के बड़े इंतजाम भी किए गए हैं। मेरठ के एसएसपी रोहित सजवान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में पुलिस व्यवस्था की गई है और आदर्श आचार संहिता के जो भी मानक लागू हैं उसके अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और जो ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है और यातायात में जो वाहन आएंगे उनके लिए भी ट्रैफिक में उनके स्थान को चिन्हित किया गया है। सभी पुलिसकर्मी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जितने मजिस्ट्रेट्स हैं पुलिसकर्मी हैं और एकदम फुल प्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मंच पर 5 लेयर की सिक्योरिटी है, ड्रोन के उड़ाने पर भी पाबंदी है, गुब्बारों के उड़ाने पर भी पाबंदी है, तो इस तरह की कोई भी हरकत ना करे ताकि किसी को दिक्कत का सामना करना पड़े। सुरक्षा के जो भी मानक हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है, क्योंकि काफी सुरक्षा के जो मानक एसपीजी और उसके अंतर्गत होते हैं वो सारे मानकों का अनुपालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ रैली को लेकर प्रमोद कृष्णम ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि 1857 की जंग आजादी का शंखनाद करने वाली मेरठ की क्रांति धारा से आज 2024 के महाभारत का उद्घोष करेंगे नरेंद्र मोदी जी।
तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे और उनकी तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं संवाददाता मेरठ से। उमेश, तस्वीरें आप दिखाइए और साथ ही ये भी बताइए कि और कितना वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे मेरठ की भूमि पर और क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का आना लगातार जारी है और सभी अपनी अपनी सीट सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। खासतौर से महिलाएं चाहती हैं कि वो सबसे आगे वाली पंगत में बैठे ताकि नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को आसानी से देख सकें और सुन सकें। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये सभी महिलाएं बेहद उत्साहित हैं और यहां पर लगातार उद्घोष करते हुए नजर आ रही हैं। श्री राम, श्री राम कहना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, 3:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ जाएंगे। कितना उत्साहित है, मैं देख रहा था कि आप भजन गा रही हैं, गीत गा रही हैं। कौन सा भजन, कौन सा गीत गा रही हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम कमल खिलाएंगे, भारत में फिर से हम कमल खिलाएंगे। बताइए, टीवी सीरियल रामायण के राम यहाँ पर प्रत्याशी हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से। अवध में राम पधारे 500 वर्षों के बाद और यहाँ पर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से टीवी सीरियल रामायण के राम प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम सब धर्म प्रेमी हैं, सनातन धर्मी हैं और हमारे सबकी रग में श्री राम का वास है, तो प्रत्याशी तो हमारे इतने क्लियर से निकलेंगे क्योंकि जन जन सब सनातन धर्मी हैं, सब राम को पूजते हैं। राम में आज कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? इधर बात कराइए अभिषेक, क्या कहेंगी आप? आज कितना बड़ा दिन है, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और मेरठ से ही एक बड़ा संदेश जाने वाला है समूचे देश को। समूचे देश को इतना बड़ा संदेश जाने वाला है। 2019 में भी हमारे मेरठ से ही रैली हुई थी, 2014 में भी मेरठ से ही रैली हुई थी और आज 2024 में भी यहीं से शंखनाद हो रहा है चुनाव का। आप लोग हमारे उत्साह को ही देख सकते हैं कि आज हम कितने उत्साही हैं और हम मतलब कहने का हमारे जो राम, आप जय श्री राम का यहाँ पर उद्घोष होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग बेहद उत्साहित, आप क्या कहना चाह रही थी? इतने उत्साहित है हम कि कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि आज पहले तो मोदी जी आ रहे हैं हमारे प्रधान। गाना आप गा रही थी, दूसरा कोई गाना गा रही थी, कौन सा गाना चाहती है? हाँ, दूसरा गाना गा रही थी, मेरी झोपड़ी के बाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तो देखिए राम तो आ चुके हैं, प्रत्याशी रूप में भी राम आ गए हमारे यहाँ, तो अरुण कोविल जी आ गए प्रत्याशी के रूप में, राम के रूप में। तो हमारी 1.5 लाख से जीतने वाले हैं अरुण कोविल जी, 1.5 लाख वोटर से जीतने वाले। क्या कहेंगे मैडम, आज कितना बड़ा दिन है, कितना खुश नसीब दिन है? बहुत बड़ा दिन है, बहुत पावन है, बहुत गौरवशाली। सुबह 8 बजे यहाँ पर आ गए और लगातार अपनी सीट को सुरक्षित किए हुए हैं कि हम सबसे आगे बढ़ रहे और सबसे नजदीक से प्रधानमंत्री जी को देख सके। हाँ जी, हाँ जी, सब इसी उत्साह में हम यहाँ 8 बजे से बैठे हुए हैं, गौरव की बात है उनको देखना, दर्शन। तो उमेश, अयोध्या में भी प्रभु राम आ चुके हैं और साथ ही मेरठ में भी टीवी के राम जो कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं, हालांकि कितना फायदा होगा ये तो देखने वाली बात होगी।